धरती की गल करिए मंदभागी घटना वापरी, इस तों अलावा डेरा बाबा नानक की धरती से भी नौजवान की मौत हो चुकी है। जे हुलड़बाजन की गल करिए तो कि श्रोमणी कमेटी का कोई फर्ज नहीं बनता कि नौजवान पीढ़ी में हुलड़बाजन इन्हों कोई नैतिक सेध दे? भाजी एक ना इतने आप गलती कर जाने आपके मोढ़िया तो ला के दूजे की जिम्मेवारी बन दें, न्याणा थोड़ा हो गलती करे तो कुछ होर की जिम्मेवारी बन जू, जिम्मेवारी सब की है। फेलीयर साडा सब कलैक्टिव मैं तो कहना फेलीयर, देखो प्रशासन का फेलीयर है, सरकार का फेलीयर और छड़ दो, मगर जे आप ही बंदे बने होंगे सब तो ये ना हालात पैदा हो। जेड़ा कोई पिंडों चलता है जिन्हें आपने ट्रैक्टर ट्राली को शिंगारिया तो की धोर लाए भाई इत ही रोक लो पिंड की धूप से कि भाई जाए का फायदा की है। मैं तो उसे वेख के ना जी मेरे तो आप रोन निकलता कि देश की सेवा करने वाले फौजी वीर दे एक कला कला पुत वो गुरु के रंग च रंगया कि वो गलती की उन्हें रोकों नू सीधे राह पाने की कोशिश की, रब वाले रस्ते पाने की कोशिश की, तो इतने अज साडे विचकार। मैं बड़ी सत्कारयोग जिन्होंने देश की बड़ी वड्डी सेवा की है, प्रदीप सिंह जहेदार साहब के बुजुर्गों नाल साडे लेफ्टिनेंट गुरबख्श सिंह जी 31 साल की सेवा जी उन्हां दी फौज अज भी सेवा निभा रहे, उन्हां दे ताया जी हवलदार गुरदयाल सिंह उरां दे परिवार नाल दुख सांझा करदा, 24 साल की एक छोटी उम्र च कल्ले कल्ले बच्चे नूं गवा लेना बहुत ही दुखदाई गल। मैं कदे प्रदीप सिंह नूं आप तां नहीं मिलिया, मगर जो ये वीडियो वेखी उस दिन तो मेरे मन से बड़ा असर होया कि असी सारे धियां पुत्तां वाले, और वेखो ये बच्चा कनेडा च निहंग सिंघां दा बाणा पा के गुरु दीयां लाडली फौजां दा सत्कार वजों हर गुरु घर दा कोई प्रोग्राम समागम हुंदा सी उहदे च वध चढ़ के योगदान हिस्सा पाउंदा सी, और मैनू उन्होंने 16 च गया 17 18 तो इहदियां फोटोआं विखाईआं ने, हमेशा बाहर भी कनेडा च भी उहनूं माण सी निहंग सिंघ दे बाणे दा गुरु दीयां लाडली फौजां दा सत्कार वजों उहदा जो सोच सी उह सामने झलकदी सी। और ऐतकी उहने कहिंदे पिछले साल इह प्रण कीता सीगा कि जी होले महल्ले दे दिन मैं आनंदपुर साहब की पवित्र धरती से जाके नतमस्तक हो, बड़ी भावना नाल बड़े सत्कार नाल उत्थों आया, बड़ी भावना ते सत्कार नाल आपदे पिंडों अपने माता पिता की असीस लैके खालसा पंथ की उस पवित्र धरती ते जन्म भूमि ते गया, और उत्थे अज उन्हां सारे पंजाबियों नूं मैं सवाल पुछदा कि अज शर्म नाल सिर झुकना चाहिए कि उन्हें गल केड़ी तो रोकिया लोग कि तुसी रब रब करन वास्ते आए हो, गुरु साहब दियां खुशियां लैन वास्ते आए हो, गुरु दे रंग च रहो, लच्चर गीतां दा सहारा ना करो। उन्हें फिर हौका रब दा दिता, फिर हौका सच दा दिता, गुरु वाले रस्ते चलाउण दा दिता, तो उहदा रिजल्ट की निकलिया कि लॉ एंड ऑर्डर का एड्डा वड्डा फेलीयर है कि देखो ये सरकार एक पासे तो कहिंदियां जी कि मैं पॉलिटिक्स नहीं करना चाहुंदा सी, मगर मेरे मन च ही सवाल खड़ा हुंदा कि तुसी विधानसभा च तो भाषण करते हो कि असी जी लच्चर गीत जिन्ने आ बैन करते बंद करते या लोगों नू वैपन कैरी करन तो रोकता, असलीयत आ सामने है जी। प्रदीप सिंह फिर जिन्हें उही काम किया जो मुख्यमंत्री कहिंदा सी, उन्हें यही कहा भाई पवित्र धरती ते आए हो, गल गुरु की करो, गल उस्तत गुरु की करो, गुरु दे रंग च रंगो, और वो रोकण वास्ते अज उहदी जान चली गई। की जवाब देणगे जी भगवंत मान जी, अज की जवाब देणगे एक साडे फौजी वीर नू, उहदी माता नू, जिन्होंने देश की सेवा सारी उम्र ही सारे परिवार ने देश की सेवा की, और ये जो उत्थे रंगत दिती जा रही है जी कि इन्हें कोई वादा किया, इन्हें कोई वादा नहीं किया, मैं भी यदि थां हुंदा अही तो कमजोर दिल भाई साढ़े चो कई वेखते हैं, असं चुप कर जाने कि इन्हों कौन समझावे,
इन्हें हौसला कर लिया, जिगरा कर लिया और सही गल करन दा इल्जाम हो गया।